वेलकम टू माय चैनल कुकिंग मैडनेस। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज्यादा मजे में भी होंगे। फॉर मोर डिलीशियस एंड ट्रेडिशनल रेसिपीज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज्यादा मजेदार सी मटर की फलियां, जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टी टाइम स्नैक्स में। इसके लिए सबसे पहले मैंने ली है 1 पाव मटर। मटर लेते हुए ये ख्याल रखना है हमें फलियों के लिए कि ये थोड़ी नरम नरम सी मटर हो, इसमें जो है इसका छिलका भी थोड़ा मोटा हो और ग्रीन कलर की हो ये, तो वो मटर फलियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। इसके अलावा मैंने इसमें 1 कप शामिल किया है मटर के दाने, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक एज पर टेस्ट, मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे गुड़ का 1 छोटा पीस, आप चाहें तो इसमें चीनी भी शामिल कर सकते हैं। 2 से 2.5 कप इसमें जो है पानी के शामिल होंगे और उसके बाद जो है हम इसे पकने रख देंगे। हमने पानी सिर्फ इतना ही शामिल करना है जिसमें ये मटर बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। अब हम इसे चूल्हे पर पकने रख देते हैं और हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे चलाना है और देखें तकरीबन जो है ये पानी बिल्कुल सही तरीके से खुश्क हो रहा है। जो मसाला आपको नज़र आ रहा है ये इस पर जो है लिपट जाएगा, तो उसका मतलब होगा कि ये जो फलियां हैं मज़ेदार सी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और बिल्कुल थोड़ा सा आपने नीचे रखना है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।